हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीक की वीकली फोरकास्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीक में गोल्ड कहाँ ट्रेड कर सकता है, इस वीक में क्या सेटअप बन रहा है एक्से यूएसडी में, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें, कहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस मार करें, आइए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं प्रीवियस वीक मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है और प्रीवियस वीक हमारा क्या एनालाइज था। दोस्तों, प्रीवियस वीक गोल्ड में हमें बहुत अच्छा एक सेटअप दिखाई दे रहा था। क्या सेटअप दिखाई दे रहा था, कैसे एनालाइज किया था, आइए फटाफट समझते हैं ताकि हमारा थोड़ा रिवाइज हो जाए, हमें चीजें समझ में आए कि जितना सिंपल हमारा एनालाइज होता है उतने अच्छे से मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि प्रीवियस वीक हुआ, देखो कितना अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा था। ये प्रीवियस वीक की ड्रॉइंग है, प्रीवियस वीक का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे मार किया था। देखो, सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन को मार किया था। ये ट्रेंड लाइन क्यों मार किया था, क्योंकि देखा हमने प्रीवियस वीक मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया था, ठीक है। इसके बाद ये एक रेसिस्टेंस एरिया मार किया। ये एरिया क्यों मार किया था, क्योंकि देखो अच्छे से मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, और रेसिस्टेंस लेने के बाद जब मार्केट थोड़ा यहां से रिजेक्शन कर रही थी, डेट के साथ आप यहां पे देख सकते हैं, डेट के साथ आप यहां पे देख सकते हैं, जब मार्केट इस लेवल के आसपास रेसिस्टेंस ले रही थी उस टाइम पे हमने ये ट्रेंड लाइन यहां पे मार किया था। और हमारा व्यू था कि ये बहुत अच्छा एक ट्राइंगल पैटर्न के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है, मल्टीपल टाइम इस पैटर्न का सपोर्ट रेसिस्टेंस ले रही है, और अभी यहां पे देखा जाए तो इसका जो रेंज है वो भी नैरो होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पे या तो ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेक डाउन, लेकिन यहां से प्रोबेबिलिटी थी कि ब्रेक डाउन इसको करे, और यहां से अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करती है मार्केट तो डाउनफॉल करती है। कहां तक डाउनफॉल कर सकती है, ये देखिए, ये सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन हमने मार किया था, फर्स्ट सपोर्ट देखो कितने अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, सेकंड सपोर्ट भी यहां पे हमने मार किया था। अगर फर्स्ट सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, तो सेकंड सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट कर सकती है, सेकंड सपोर्ट तक मार्केट आ सकती है। अब आप देख सकते हो कितने अच्छे से मार्केट ने इस पैटर्न को रिस्पेक्ट किया। जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, वन साइड मूव यहां पे हमें देखने को मिला। इसके बाद जैसे ही सेकंड सपोर्ट तक मार्केट आया, यहीं से मार्केट ने देखो बुलिशनेस शो करना स्टार्ट किया, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। ये तो था दोस्तों प्रीवियस वीक का एनालाइज। आई होप आपने भी इस तरीके से प्रीवियस वीक अपना सिंपल सा एनालाइज किया होगा। अब बात करते हैं इस वीक में एक्से यूएसडी में क्या सेटअप बन रहा है, कैसे हमें एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता है, वीडियो से थोड़ा भी कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आगे भी आप इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, आप भी इस तरह एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज करना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। प्रीवियस ड्रॉइंग है, सभी को यहां से हम रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, इसके बाद 4H के टाइम फ्रेम में भी समझने वाले हैं। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में यहां पे बहुत अच्छा मार्केट एक हैवी अप ट्रेंड में आपको दिखाई देगा। मार्केट हायर हाई बनाने के बाद देखो एक हायर लो यहां पे लगाया हुआ है, हायर लो के बाद देखो यहां से बुलिशनेस शो कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, अभी मार्केट के लिए ये एक सपोर्ट जोन पर ही मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, ये एक सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट जोन है। जब मार्केट यहां से कंटिन्यू बुलिश कैंडल बन रही थी, अचानक से मार्केट ने यहां से क्या हुआ, एक बेयरिश कैंडल बनाई, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा रेस्ट किया, होल्ड किया इस लेवल के आसपास। इसके बाद मार्केट देखो एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। अगेन जब मार्केट यहां से रिजेक्शन कर रही थी, तो जो लेवल प्रीवियस टाइम मार्केट ने होल्ड किया था, थोड़ा रेस्ट किया था, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं ना कि जिस लेवल को मार्केट प्रीवियस टाइम थोड़ा रेस्ट करती है, थोड़ा होल्ड करती है, तो उस लेवल को मार्केट आगे आने वाले टाइम में जरूर रिस्पेक्ट करती है, जैसा कि यहां पे किया मार्केट, अब बुलिशनेस शो कर रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा सा एक सपोर्ट जोन, सपोर्ट एरिया। इसके साथ में अगर यहां से हम कुछ और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लें दोस्तों कि ये सपोर्ट जोन इतना स्ट्रांग क्यों हो सकता है, कैसे यहां पे हम कंफर्मेशन लें, कंफर्मेशन लेने के लिए हमें क्या करना है, लो टू हाई फ्यू को मार करना है, FIV रिट्रेसमेंट। दोस्तों, जैसे ही हम लो से पकड़ के और हाई के लिए फ्यू को मार करते हैं, तो आप देख पाएंगे यहां पे जो सपोर्ट जोन हमने मार किया, इस जोन पे 0.5% का रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आ रहा है, जिसको मार्केट बहुत अच्छे से मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट करती है। यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने हाई लगाया,
है। इसके बाद देखो 0.5% के लेवल को यहाँ से रिट्रेस करने आई, इसके बाद देखो यहाँ से बुलिशनेस शो कर रहा है। तो ये जो लेवल हमने मार्क किया सपोर्ट के लिए, ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा हमें दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं लेवल की, ये लेवल कौन सा है। यहाँ पे लेवल की बात करते हैं 2304.860 एंड 2274.783 का, ये एक सपोर्ट जोन सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है। क्या समझा यहाँ से हमने, हमने समझा डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का एक अभी भी अप ट्रेंड चल रहा है, जिसमें मार्केट हायर हाई लगाने के बाद हायर लो लगाती है, अगेन मार्केट ने एक हायर हाई लगाने के बाद यहाँ पे एक हायर लो लगाने के बाद देखो यहाँ से मार्केट बुलिशनेस शो कर रही है। ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से हमने समझा। 4H के टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं क्या सेटअप बन रहा है। दोस्तों 4H के टाइम फ्रेम में सबसे पहले जो सपोर्ट जोन हमने मार्क किया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास हो सकता है मे बी सपोर्ट लेने आए, सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकती है। क्यों दिखा सकती है, क्योंकि यहाँ से अभी देखो एक रेसिस्टेंस एरिया हमें दिखाई दे रहा है, ये एक रेसिस्टेंस जोन जैसा है। क्योंकि प्रीवियस टाइम अगर यहाँ से हम देखते हैं ना, तो ब्रेकआउट किया, इसके बाद सपोर्ट लिया, इसके बाद यहाँ क्या हुआ, इंस्टेंट ब्रेकडाउन के बाद देखो रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने के बाद थोड़ा रिजेक्शन यहाँ पे मार्केट कर सकती है। ये एक रेंज जैसा हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो सपोर्ट ले रही है मार्केट, रेसिस्टेंस ले रही है। तो हो सकता है दोस्तों अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आए और सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाए। तो यहाँ पे फिलहाल में ये ही सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये तो फर्स्ट कंडीशन हुई, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, ध्यान से समझना, अगर ब्रेकडाउन करती है मार्केट, रिटेस्ट करने आती है, तो फिर यहाँ से डाउनफॉल भी कर सकती है। हो सकता है मे बी यहाँ से डाउनफॉल करे, कहां तक डाउनफॉल कर सकती है, कौन सा सपोर्ट ले सकती है, चलो वो भी यहाँ से हम समझ लेते हैं। सपोर्ट जोन की अगर बात करें तो ये एक काफी अच्छा सा मुझे सपोर्ट जैसा दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट सपोर्ट हो जाएगा हमारा एंड सेकंड सपोर्ट ये वाला दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखना है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन के लिए इंतजार करना है। ब्रेकडाउन के बाद अगर रिटेस्ट करने आती है मार्केट और यहाँ से फिर से डाउनफॉल करती है, तो ये वाला एक सेकंड सपोर्ट जैसा दिखाई दे रहा है। लेवल की बात करें 2212.668 एंड 2180.905 का सेकंड सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। इस तरह इस वीक में हम डेली टाइम फ्रेम एंड 4H के टाइम फ्रेम में एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। इस वीक में इतना अच्छा सेटअप तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमने मार किया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।